इस पर चर्चा हुई, बिल्कुल हुई, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे, और न केवल जैसे केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि वो बूथ स्तर पे व्हाट्सएप की जो तैयारी होनी चाहिए उसकी उन्होंने समीक्षा भी की और उसमें कुछ सुझाव भी रखे, उन सुझावों पे भी बड़ी चर्चा हुई। आने वाले दिनों में आपको व्हाट्सएप में भी भारतीय जनता पार्टी हमसे पिछड़ती हुई दिखेगी सर, इसके अलावा और बिना संसाधनों के। सबसे बड़ा अंतर ये है, उनके पास आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास तमाम उद्योगपति हैं, तमाम लोगों का समर्थन है और एक मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग भी उनसे दबता है। उसके बावजूद अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और इवन मीडिया पे अगर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सर, जो आपके बड़े नेताओं को राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हो, उनकी रैलीज को, उनकी कैंपेन को लेके भी किस तरीके से आपकी रूपरेखा, क्या उसकी भी चर्चा हुई और क्या आपका भविष्य में ही आप शुरू कर रहे हैं? आने वाले दिनों में आपको जो इन राज्यों के महासचिव होते हैं, जैसा जैसा वो सुझाव देते हैं वैसे हमारे नेता वहाँ प्रचार करते हैं। पिछले दो महीनों में आपने देखा प्रियंका जी ने यूथ डिक्लेरेशन किया था तेलंगाना में, फिर अभी खम्मम में राहुल जी ने एक डिक्लेरेशन किया और खड़गे जी भी एक बार वहाँ भी हो आए हैं। लगातार हमारी जो पांचों राज्य हैं यहाँ क्या क्या रूपरेखा होगी, कौन प्रचार करने कब जाएगा, वो आपको समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे।